आइए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनकलाब जिंदाबाद में। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा मकसद किसी भी जाति धर्म में द्वेष लगाना नहीं, हमारा मकसद एकता का मकसद है। लेकिन पिछले 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि खास करके सोशल मीडिया पे और यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे हिंदू मुस्लिम को लेकर डिबेटें चलाई जाती है, और सोशल मीडिया पे स्पेशली इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों की माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के ऊपर कुछ अनाप शनाप आरोप लगाए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं जिसका सच से कोई लेना देना नहीं। ये बोलने वाले लोग कौन है? ये बोलने वाले लोग हैं संघ के दलाल, ये बोलने वाले लोग हैं भाजपा से जुड़े हुए लोग, ये बोलने वाले लोग हैं वीएचपी से जुड़े हुए लोग, ये बोलने वाले हैं बजरंग दल से जुड़े हुए लोग। ये लोग एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत मुसलमानों को गालियां देते हैं, कुरान शरीफ को भला बुरा कहते हैं, मुस्लिम धर्म के जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है इस्लाम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको उनकी वाइफ जो है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला, इनको अनाप शनाप बोला जाता है। वो सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है, उससे किसी धर्म का लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है ताकि जो 20 से 25 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, वो जो भाजपा की राजनीति चल रही है उसमें वो ध्यान ना दे और अपने धार्मिक मामलों में उलझ कर रह जाए। हम मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी चीजों से दूर रहे। वो चाहते हैं कि आप उसमें ध्यान दें। आप उस ध्यान देने में आप दंगे हो गए हिंदू मुसलमान में, और एक जातीय ध्रुवीकरण का भाजपा को एक प्रकार से फायदा हो गया। ये उन्हीं के छोड़े हुए एजेंट है जो रात दिन इस्लाम को गाली देते हैं। स्पेशली मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग ये गलत प्रचार करते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को हक नहीं मिलता। वो ये बोलते हैं कि इस्लाम में महिलाएं बुरखा पहनती है। हाँ पहनती है, इस पे हमें फक्र है, पहनती है, इसीलिए बुरखे वाली महिलाओं का रेप नहीं होता है। हाँ महिलाएं बुरखा पहनती है क्योंकि महिलाएं हमारे लिए कीमती है, हम उन्हें उसी तरह रखते हैं जिसी तरह सोना चांदी हीरे मोती और पैसे को अपने तिजोरी और लॉकरों में छुपा के रखते हो। कीमती चीजों को छुपाया जाता है, कीमती चीजों का प्रदर्शन किया नहीं जाता। हमारे धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उसे बहुत कीमती माना जाता है, इसीलिए बुरखे की प्रथा है। और एक स्पेशल ये बात जो एक का नाम लेकर बोलूंगा, एक संघ का दलाल पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो 12 साल पाकिस्तान में पता नहीं पठानों की बस्ती में रहा था क्या, और पठानों ने उसके साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया कि यहाँ आके मुसलमानों के साथ वो इस्लाम को रात दिन गालियां देता है। उसका आप उसका कोई भी वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, वो सिर्फ मुसलमानों को गालियां देता है। उसके लिए स्पेशल ये जवाब है, उसके लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के लिए ये जवाब है, राहुल आर्या के लिए जवाब है, महेंद्र पाल आर्या के लिए जवाब है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के उस सवाल का जवाब है जिसमें उसने कुरान शरीफ को जो कि आसमानी किताब है उसको पाखंडी किताब कहा। अब उसको मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को जो कि संघ का एक एजेंट है उसको उसी की भाषा में उसके सनातन धर्म की किताबों से बताता हूँ कि पाखंडी किताब कौन सी होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के धर्म की बात को मैं बोलूं, लेकिन जब कुछ ऐसे बारीक मसले आ जाते हैं वहां पे हमें गंगा करने के लिए, हमको उचकाने के लिए जो बात आ जाती है, तो संवैधानिक रूप से हमारा हक बन जाता है कि हम उसका संविधान के हद में रहते हुए जवाब दें। इसी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को मैं, वो जो कहता है ना कुरान का पाखंड, मैं उसको सनातन धर्म की किताबों का पाखंड दिखाता हूँ वो क्या है। और महिलाओं का सम्मान जिसे ये झूठ बोल के हिंदू धर्म कहते हैं जो कि एक्चुअल में सनातन ब्राह्मण धर्म है, उसमें महिलाओं का सम्मान कितना होता है ये बताता हूँ। हर आदमी जानता है कि
हिंदू धर्म की किताब एक जानता है वो रामचरितमानस मतलब रामायण के नाम से उसे जानता है और दूसरा गीता उसको पता नहीं होता है। एक्चुअल में हिंदू धर्म ग्रंथ में चार वेद है, चार वेदों को छोड़ दिया जाए तो 18 पुराण है और 18 उसके उप पुराण है और 24 की 26 की करी उपनिषद है। तो हमारी भारत के SC ST OBC का गुलामी का कारण मुख्य जो है पुराण जिसको जो कुरान से मिलता जुलता वर्ड है ये प में उ की मात्रा पुराण। अब उसी पुराण में और इनके उपनिषद में कैसा पाखंड दिया हुआ है। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को ये जवाब आपका काम है, आप सोशल मीडिया पे इसको फैला के उसको दे दो। सबसे पहले मैं माननीय उद्धव ठाकरे के दादा मतलब माननीय बालासाहेब ठाकरे के पिताजी प्रबोधन दास ठाकरे जिनका पूरा नाम था माननीय केशव सीताराम ठाकरे उनकी एक किताब उठाता हूँ और वो आपको बताता हूँ। इस किताब का नाम है देवड़ाचे धर्म अनि धर्माची देवड़ी। ये प्रबोधन दास ठाकरे की किताब है। इसके 16 नंबर के पेज पे पुराणों के लिए क्या लिखा है अब आप ये पढ़िए और सुनिए। ये मराठी में लिखा है, पुराने मंजे शौच कूप, शौच कूप मतलब जिसपे हम संडास करते हैं, पुराने मंजे शौच कूप ठीक है। असे आमचे मत आहे, आमचे मंजे प्रबोधनकार ठाकरे, पुराना काही गोष्टी चांगल्या आहेत असे काही भेदरत सुधारक ही म्हणतात मतलब पुराण में कुछ चीजें अच्छे है ऐसे कोई सुधारक बोलते है। असतील शौच कूपात पडलेल्या मोहरा पुतळ्या ज्यांना उचलायच्या असतील त्यांनी खुशाल उचलावा। तो प्रबोधनकार ठाकरे बोलते ठीक है, पुराण में कुछ अच्छी चीजें होंगी ठीक है। शौच कूपात पडलेला मतलब संडास में गिरी हुई मोहरे मतलब सिक्के और पुतळे अगर कुछ गिर जाए असे काही भेदरत पुतळे ज्यांना उचलायच्या असतील त्यांनी खुशाल उचलावा। जिसको उठाना है संडास में गिरे हुए मोरे वो खुशाल उचलाए, आम्ही त्याचा हात धरू इच्छित नाही, हम उसको हाथ लगाने वाले नहीं। ये कहना है माननीय केशव सीताराम ठाकरे मतलब बालासाहेब ठाकरे के वडील मतलब पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे देवळाचे धर्म आणि धर्माची देवळी। अब ये मुसलमानों पे जो आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, अब मैं आपको रामायण से बताता हूँ कि भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो उस समय माता सीता से क्या कहा था, ये मैं रामायण से आपको पढ़ के बताता हूँ। युद्ध कांड के 65वें सर्ग, सर्ग 65वें मतलब 65वें सर्ग का 9वां श्लोक ठीक है। हे सीते मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया, अतः तुम मेरे समक्ष खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असहाय हो रही है जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असहाय जान पड़ता है। समझ गए माता सीता को श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि मेरे सामने तो खड़ी उसी तरह तकलीफ दे रही है जैसे आग की बीमारी वालों को उजाला तकलीफ देता है। वही युद्ध कांड के 65वें सर्ग के 15वें श्लोक में रामचंद्र जी 14 और 15वें श्लोक में क्या कहते हैं माता सीता से वो भी सुन लीजिए। हे भद्रे मैंने यह बात सोच विचार करी तुमसे कही है, लक्ष्मण भरत वानरेंद्र सुग्रीव अथवा राक्षसेंद्र विभीषण में से जिसके यहाँ तुम रहना पसंद करो अथवा जहाँ तुम्हें सुख मिलने की आशा हो तुम वहाँ रह सकती हो। ये रामायण में भगवान राम ने शादीशुदा सीता से कहा था कि मैं तुझे नहीं रख सकता हूँ, तू चाहे तो लक्ष्मण भरत सुग्रीव विभीषण के पास सुख से रह सकती है। ये है माता सीता का सम्मान, इसे कहते हैं महिला सम्मान। और ये इस्लाम को रात दिन गालियां देते हैं, ये इसीलिए सक्सेस हो रहे हैं कि आम भारतीय जो हिंदू है जो अपने आप को हिंदू समझता है उसको धर्म ग्रंथों के नाम ही नहीं मालूम, कहीं से नाम सुन लेगा तो वो धर्म ग्रंथ को देख नहीं चाहता है। ये वाल्मीकि रामायण मुझे बड़े मुश्किल से मिली है, पूरे नागपुर शहर में वाल्मीकि रामायण एक भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान में नहीं है हिंदी में, है तो संस्कृत में है या तो रामचरित्र मानस है। अब ये जो कहते हैं ना इस्लाम धर्म में महिलाओं पे अत्याचार कुरान का पाखंड, अब मैं आपको एक किताब और दिखाता हूँ। इस किताब का नाम है रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। उनकी लिखी हुई किताब है, ये 1988 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, आज इसको करीब करीब
18+12 30 साल हुए इसके विरोध में ब्राह्मणों ने, सनातनी ब्राह्मणों ने जो रात दिन मुसलमानों को गाली देते हैं, इस्लाम की गलतियां हदीस और कुरान से निकालते हैं, इस किताब के जवाब में आज तक का एक भी किताब नहीं छापी है। इस किताब में या हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसी ऐसी बातें हैं कि मुझे बताने में शर्म आती है, क्योंकि हिंदू भी मेरे भाई है, मैं भी जो कभी हिंदू रहा हूँ, हम कन्वर्टेड मुस्लिम है, हम कोई खानदानी मुसलमान अरबिस्तान पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए नहीं है, हम भी कभी भारत के मूल निवासी रहे थे, हमें जो सनातन धर्म की ऊंच नीच भेदभाव पसंद नहीं आया, इसलिए हमने समानता का मानवता का इस्लाम धर्म अपनाए, वो मेरे ही भाई है, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन कुछ फड़वे, ये फड़वे जो है असंवैधानिक शब्द नहीं है, ये फड़वे जो है महात्मा कबीर के दोहे में है, फड़वे गांडू रन चढ़े, ये शब्द जो है महात्मा कबीर के दोहे में है। तो कुछ फड़वे सिर्फ सत्ता की लालच में हम हिंदू मुसलमान जो कि आपस में भाई है हमको लड़ाते हैं, अब तुम इस्लाम धर्म की किताबों का पाखंड बताते हो तो हिंदू धर्म की किताबों को सुन लो और इसका जवाब जिस किसी में दम है तो मेरे को दे के बता दो, ये रिडल्स इन हिंदुइज्म, इस किताब का आप इस किताब में गलत लिखा है ऐसी एक किताब छाप के बता दो, रिडल्स इन हिंदुइज्म, इसका पेज नंबर 174 हिंदी आवृत्ति, हिंदी अनुवादक है इसके भदन आनंद कौशल्यायन, ठीक है, इसमें जो है बाप बेटी के संबंध बताए गए हैं पहले, इसमें और बहुत सारी गंदी या हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि हिंदू भी मेरे भाई है, मेरे अपने भाई है, हम मुस्लिम हिंदू हुए तो कुछ नहीं, हम यहाँ के भारत के मूल निवासी ही है। उसमें क्या लिखा है बाप बेटी का आप सुनिए, हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया, हिरण्यकश्यप पिता, रोहिणी उसकी बेटी, पेज नंबर 174 शुरुआत का पेज, रिडल्स इन हिंदुइज्म हिंदी आवृत्ति, भदंत आनंद कौशल्यायन इसके ट्रांसलेटर, पिता पुत्री की शादी का दूसरा उदाहरण वशिष्ठ और शत्रुपा है, मतलब वशिष्ठ ऋषि और शत्रुपा, बाप बेटी की शादी, जानू और जानवी का तीसरा उदाहरण जानू और जानवी, चौथा उदाहरण सूर्य और उषा, सूर्य ने शादी की अपनी बेटी उषा से, ठीक है, पिता और पुत्री की शादियां एक सामान्य बात की है, इससे भी प्रमाणित होता है कि इस प्रकार की शादियों से उत्पन्न संतान को भी कंवारी पुत्र कहकर मान्यता दी गई है, कंवारी कह के ऊपर बिंदु वा में आकी मात्रा रहा, कंवारी पुत्र मतलब जो अपने पिता से लड़कियां माँ बनती थी उसको कंवारी पुत्र कहते थे, ठीक है, कंवारी पुत्र का मतलब है अविवाहित पुत्रियों की संतान, कानूनी भाषा में वे लड़की के पिता की संतान थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने सारे धर्मों का पूरा अभ्यास किया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म के पेज नंबर 174 में लिखा है, बाप बेटी के रिश्ते हिंदू धर्म की किताबों में ऐसी ऐसी बातें हैं कि मुझे बताने में शर्म आ रही है, आपको सुनने में शर्म आएगी, और हिंदू धर्म में जो आपको झूठ बोला जाता है ना उसका कारण ये झूठे नहीं है, उसका कारण भी हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 103 नंबर का श्लोक है, इसमें कुल 12 अध्याय है, 8वें अध्याय का 103 नंबर का श्लोक है, उसमें ये लिखा है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए या धर्म को फायदा पहुंचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा तो वो झूठ देववाणी है, ये झूठ इनका धर्म ग्रंथ सिखाता है, जिसको धर्म ग्रंथ झूठ बोलना सिखाता हो उस पे आम भारतीय मेरे हिंदू भाइयों बहनों को भरोसा करने की जरूरत नहीं, इनको इनकी बोली हुई बात को एज ए जोक ले आप, ये जोक सुना रहे हैं, ये जोक बता रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 103 नंबर का श्लोक सुनाया जाता है कि धर्म के फायदे के लिए जितना हो सके झूठ बोलो, ये झूठ देववाणी है, ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं और इनके दिमाग में है कि ये देववाणी है, और आप चूंकि धर्म का नॉलेज नहीं रखते हैं आपको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ इनके रग रग में बचा है, मैं तो कहता हूँ जो भी हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म की नफरत कराने की बात करता है तो उसे आप जोक समझ के उसको नजरअंदाज करें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हम भारत की पहचान है, हमारे भारत को पूरी दुनिया में सब एकता के लिए जाना जाता है कि यहाँ सभी धर्म के लोग एकता के साथ रहते हैं, हम भी दिवाली मनाते हैं, हम भी राखी मनाते हैं, हम भी हमारे दोस्तों के साथ मंदिर में जाते हैं और वो भी हमारे साथ दरगाह में आते हैं, इतना ही नहीं हमने अपने कुछ हिंदू दोस्तों को मस्जिदों में
तक्कर ले जाकर रोजे इफ्तार कराए हैं। ये हमारी मुस्लिम संस्कृति है। हमारा धर्म सिखाता है किसी को गाली नहीं देना, किसी के धर्म की बुराई नहीं करना। लेकिन मजबूरी ये है कि इनके भाजपा के 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप, ये टीवी 9 भारत वर्ष की रिपोर्ट है, 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ मुस्लिम विरोधी, 80% कंटेंट उसका मुस्लिम विरोधी और इस्लाम विरोधी होता है। तो अब हमको जवाब के रूप में उनको ये जवाब देना है। इसी रीडल्स इन हिंदुइज्म से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वो भी सुन लीजिए। वो क्या है, एक दूसरी घरेलू कथा, यह है पेज नंबर 179, ठीक है, जो ऋषियों के नाम से जुड़ी हुई है। वह खुलेआम लोगों के सामने औरतों के साथ संभोग करना, खुलेआम औरतों के साथ संभोग करना। महाभारत के आदि पर्व के 63वें अध्याय, मतलब महाभारत के आदि पर्व के 63वें मतलब 63 अध्याय में वर्णन है कि मछुए की बेटी, ठीक है, सत्यवती उर्फ मत्स्यगंधा के साथ ऋषि ने कैसे संभोग किया। व्यास का कहना है कि उसने खुलेआम उस लड़की के साथ मनोरंजन के तौर पर संभोग किया, मतलब लड़की की इज्जत लूटना इनके धर्म ग्रंथ में मनोरंजन लिखा गया है, समझ रहे। उसके बाद पढ़िए क्या है, इसी तरह की एक घटना का वर्णन आदि पर्व के अध्याय 104, उसी आदि पर्व महाभारत के 104 में दिया गया। वहाँ लिखा है कि दीर्घतमा नामक ऋषि ने, दीर्घतमा ऋषि का नाम, लोगों की आंखों के सामने सार्वजनिक जगह पे, मतलब लोगों के सामने एक स्त्री के साथ संभोग किया। इस प्रकार की वर्णनों से इनके धर्म ग्रंथ भरे पड़े है। पाखंडी किसके धर्म ग्रंथ है ये आप बताओ। एक और इसी रीडल्स इन हिंदुइज्म के पेज नंबर 180 से, मैं ये किताबें बताने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इसका कंटेंट मेरे पास है वो 100% सत्य है, क्योंकि इस किताब का विमोचन जो खुद उस समय के मुख्यमंत्री ने किया था। छंदोग्य उपनिषद, मैंने कहा ना पुराण और उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में ऋषियों के अनैतिक कर्तव्य, उसमें एक दिया है वामदेव व्रत, नाम याद रखिए आप, जैसे यहाँ कुंवारी माता था, पुत्र था, वैसे यहाँ वामदेव व्रत। अभी वामदेव व्रत कितना घिनौना है, जिसको व्रत का नाम दिया वो आपको बताता हूँ। छंदोग्य उपनिषद में ऋषियों के अनैतिक कर्तित्व में एक और नमूने का उल्लेख दिया गया है जो अत्यंत घृणास्पद है। यह पेज नंबर 180 पे रिडल्स इन हिंदुइज्म हिंदी आवृत्ति। इस उपनिषद में जो वर्णन है उसमें ऐसा अनुमान होता है कि ऋषियों ने यह नियम बना लिया था कि जब कोई ऋषि यज्ञ करने में संलग्न हो, ठीक उसी समय भी यदि कोई स्त्री उनके साथ संभोग क्रिया में संलग्न होना चाहे तो भले ही यज्ञ समाप्त ना हुआ, भले ही वह कोई एकांत स्थान में ना हो, ऋषि को चाहिए कि यज्ञ मंडप में ही लोगों की नजर के सामने वह संभोग क्रिया में संलग्न हो जाए। ऋषि की इस अनैतिक कर्तव्य को, इस अमानवीय हरकत को एक धार्मिक कर्तव्य का रूप दे दिया गया, उस तांत्रिक और उसका एक तांत्रिक नाम रख दिया गया वामदेव व्रत। इसे कहते हैं धर्म का पाखंड, उसे नहीं कहते जो इस्लाम की किताबों में लिखा है। इस्लाम मानवता का संदेश देने वाला धर्म है, इसलिए 56 देशों में है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10 साल इस्लाम का प्रचार किया, 53 साल की उम्र से 63 साल की, 10 साल के प्रचार में ये हाल है कि दुनिया का दूसरे नंबर का, और 56 इस्लामिक 56 ऐसे देश है जहाँ की अधिकतम आबादी मुस्लिम है। धर्म को गाली देने से कुछ नहीं होता, धर्म को एक दूसरे से गले लगाओ, धर्म के नाते एक दूसरे के धर्म को, ये जो लोग गाली दे रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली की सत्ता पे बैठने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले 9 अगस्त से जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ की क्रांति होने वाली है उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, ये मुसलमानों को उस आंदोलन से दूर रखने के लिए ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ में जितना हो सका भिखारी प्रचार ये कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान।